नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसान मजदूर और आड़तियों के समर्थन में गांव पिपली में आयोजित रैली स्थल पर लोगों को ना पहुंचने देना भाजपा सरकार की हड़बड़ाहट को दर्शाता है। जी हां, ये प्रदेश भर से विपक्षी नेताओं की जुबानी है। जहां भाजपा पर जोरदार हमला विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि किसानों को पिपली रैली में न पहुँचने देना एक बड़ा मुद्दा इनके लिए हो चुका है। किसानों पर इस समय लाठीचार्ज भी किया गया। लोगों ने किसानों की इस रैली के समर्थन में कई जगह पर गिरफ्तारियां दी। वहीं सुबह से कुछ देर बाद ही महम के निर्दलीय विधायक को कई घंटे पुलिस हिरासत में रखे जाने के बाद में रिहा किया गया, जिसके बाद समर्थकों के साथ कुड्डू पीपली किसान बचाओ रैली के लिए रवाना हुए। कुड्डू ने कहा कि किसान की आवाज़ को दबाने वाली खट्टर सरकार की ईंट से ईंट पदा दी जाएगी, जिसके बाद कई गाड़ियों के काफिले के साथ पीपली को रवाना हुए विधायक बलराज कुड्डू। क्योंकि कल ही बलराज कुड्डू ने कहा था कि खट्टर सरकार में दम है तो पीपली रोक रैली में जाने से रोक के दिखाए। पल पल हरियाणा से विशेष रिपोर्ट। लो जी, आप देख लो पिपली हाईवे की हाल है। तो इस टाइम सरकार ने सारिया मंगा मान लीतियां गई ने, तो हम सारे उत्थे जा रहे ने पिपली अनाज मंडी दे। देख लो तुम आ खट्टर देख लै दम ही तो रोक के पाँगा फिर हूँ आ जा रहे ने सारे आ देख इधर।
प्रशासन वाले तो हूँ पिपली तो दिल्ली हाईवे जाम होने लगा अगले कुछ मिनटा के रोड जाम होने लगा अगले 10 मिनटा जा पुल के उपर जा रहे हैं सारे जिम्मेदार Thank you.